हाय, वेलकम। साइंस की मेरी सीरीज में आज हम बात करेंगे कि कैसे केपलर ने हमें लॉज दिए थे, जो कि प्लैनेट्स कैसे सूरज का चक्कर लगाते हैं उसके बारे में थे। एरिस्टोटल के टाइम से, पुराने टाइम से लोग इस बात में बहुत इंटरेस्ट रखते थे कि जो सूरज और चांद सितारे चलते हुए दिखते हैं, उनके चलने के पीछे अंडरलाइंग रूल्स क्या हैं। और कुछ लोगों के तो भाई रिलीजियस रीजंस थे, वो जो है भगवान ने धरती बनाई है और ब्रह्मांड बनाया है, उन भगवान का डिज़ाइन क्या रहा है ये जानना चाहते थे। और कुछ लोग जो हैं वो पैशनेट एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि बस रात में नाइट स्काई देखकर बहुत फैसिनेट हो जाते थे और सीखना चाहते थे। टॉलमी से लेकर कोपरनिकस तक इस काम में बहुत प्रोग्रेस हुई। टॉलमी ने हमें जो मॉडल दिया उसमें धरती सेंटर पे थी और बाकी सारे ग्रह और सितारे जो हैं वो एक स्फीयर्स से जुड़े हुए थे, और जैसे ऐसे स्फीयर्स घूमते थे जो हैं प्लैनेट्स चलते हुए दिखते थे और सितारे चलते हुए दिखते थे। कोपरनिकस ने हमें बिल्कुल ही रिवॉल्यूशनरी मॉडल दिया, जिसमें कि सूरज सेंटर पे था, धरती सेंटर पे नहीं थी, और धरती और प्लैनेट्स की तरह सूरज का चक्कर लगाती थी। लेकिन हालांकि कोपरनिकस के काम हमें बहुत आगे ले गया, कोपरनिकस के काम के बावजूद कई क्वेश्चंस थे जो अभी भी अनआंसर्ड थे, जैसे कि सिर्फ 6 ही प्लैनेट्स क्यों हैं, या फिर जो है प्लैनेट्स चक्कर जब लगाते हैं सूरज का तो उनका जो ऑर्बिट होता है वो किस शेप का होता है, क्या वो सर्कुलर सर्कल में चलते हैं, और जो है प्लैनेट्स रुक क्यों नहीं जाते, वो चलते कैसे रहते हैं। धरती पे कोई भी चीज़ जब तुम चलाते हो वो इवेंचुअली रुक जाती है, तो प्लैनेट्स कैसे चलते रहते हैं, उन्हें धक्का कौन लगा रहा है। कोपरनिकस ने कुछ इनमें से कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करी थी अपनी बुक में। उसने ऐसा कहा था कि सूरज सेंटर पे है और जो प्लैनेट सूरज का चक्कर लगा रहे हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं सन के अराउंड, यानी उनका ऑर्बिट जो है वो परफेक्ट सर्कल है और उनकी स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट है। और कोपरनिकस ने उसका रीज़न ये दिया था कि अगर डिवाइन गॉड धरती बना रहा है तो वो परफेक्ट शेप चुनेगा धरती और ब्रह्मांड के डिज़ाइन में, तो उसके डिवाइन रीजंस थे। लेकिन ये सारे जो अजम्पशन हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, वो केपलर ने बाद में थोड़े से गलत पाए और उन्हें करेक्ट किया। तो आज हम उन्हीं करेक्ट रूल्स की बात करेंगे जो प्लैनेट जब सूरज का चक्कर लगाते हैं तो फॉलो करते हैं। और केपलर के साथ साथ हम टाइको ब्राहे की भी बात करेंगे, जिसका कि डेटा केपलर ने यूज़ किया था अपने रूल्स बनाने में। और उस समय टाइको ब्राहे का जो ये एस्ट्रोनॉमी का डेटा था सितारे देखने वाला, वो उस समय सबसे ज़्यादा प्रिसाइज था और एक्सटेंसिव था। उस समय गैलीलियो ने टेलीस्कोप अभी नहीं बनाया था, वो सबसे प्रिसाइज डेटा था। तो आज हम इन्हीं दो लोगों की बात करेंगे, केपलर और ब्राहे की, और आज हम केपलर के वो लॉज भी पढ़ेंगे। केपलर पैदा हुआ था 1571 में, और बहुत ही छोटी एज से उसे एस्ट्रोनॉमी का शौक था। 1577 जब वो सिर्फ 6 साल का था, तब बहुत बड़ा कॉमेट आया था यूरोप में और वो उससे बहुत फैसिनेट हो गया था। उसे एस्ट्रोनॉमी का बहुत लाइफ लॉन्ग लव पैदा हो गया, और जो उसकी लाइफ भर उसे रहा। 1589 में केपलर ने यूनिवर्सिटी अटेंड करी, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में उसके मेंटर ने उसे दोनों ही सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया, कोपरनिकन सिस्टम और टॉलमिक सिस्टम। उस समय ये वो टाइम था जब दोनों ही मॉडल्स के बीच डिबेट थी, अभी ये सेटल नहीं हुआ था कि क्या सही है। केपलर ने कोपरनिकन सिस्टम अडॉप्ट किया क्योंकि वो उसके रिलीजियस बिलीफ्स से बहुत मैच करता था। उसका रिलीजियस बिलीव ये था कि जो है भगवान के अराउंड पूरी सृष्टि घूमती है, पूरा ब्रह्मांड भगवान के अराउंड घूमता है। तो जो सूरज है वो एक तरह से भगवान का मेटाफोर है, जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स और हमारी धरती घूमती है। सन बेसिकली भगवान की तरह है, ऐसा इसे लगा, क्या नाम है, केपलर को। जब वो पढ़ाने लगा फाइनली मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राज में, केपलर जब टीचर बन गया, तो उसे एक दिन ये आइडिया ये स्ट्राइक किया कि आखिर 6 ही प्लैनेट क्यों हैं, भगवान ने जब धरती बनाई तो 2 प्लैनेट क्यों नहीं बनाए, या 200 प्लैनेट क्यों नहीं बनाए। और उसका रीज़न उसे मिला, उसने ऐसा सोचा कि प्लेटोनिक सॉलिड्स में। अब प्लेटोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसे रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक पॉलीगन अगर आप लेते हो जिसकी सारी साइड बराबर हैं वो रेगुलर पॉलीगन होता है, उसी को अगर आप 3 डायमेंशनल में एक्सटेंड कर दो तो प्लेटोनिक सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिनके कि सारे फेस जो हैं वो रेगुलर पॉलीगन हों। जैसे कि मान लो क्यूब है, तो अगर क्यूब के सारे फेस बराबर होंगे तो वो एक प्लेटोनिक सॉलिड बन जाएगा। ऐसे एग्जैक्टली 5 ही सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, और
जो है पुराने टाइम से इन्हें बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है और इनकी पूजा करी गई है। प्लेटो ने, जिसके ऊपर इनका नाम पड़ा है प्लेटोनिक सॉलिड्स, प्लेटो की थ्योरी ये थी कि भगवान ने जब धरती बनाई है, जो कॉस्मोस या ब्रह्मांड बनाया है, तो वो इन पांच सॉलिड की मदद से बनाया है। उसने चार सॉलिड्स को असाइन कर दिया चार एलिमेंट्स में, अर्थ, एयर, वाटर और फायर, धरती, हवा, पानी और आग में, और पांचवे से उसने कहा कि भगवान ने आसमान में सितारे बिखेर दिए। ऐसा प्लेटो की थ्योरी थी, इसीलिए इनका नाम प्लेटोनिक सॉलिड्स भी है। केपलर ने भी ये बिलीव किया कि शायद गॉड के डिज़ाइन, गॉड ने जब कॉस्मॉस बनाया, जब ब्रह्मांड बनाया, तो उसके डिज़ाइन में भी उन्होंने प्लेटोनिक सॉलिड यूज़ किए। और उस केपलर के मॉडल में ऐसा होता था कि तुम एक सॉलिड लो और सॉलिड को एक इनर स्फीयर से सरकमस्क्राइब कर दो, और फिर एक स्फीयर इंस्क्राइब कर दो, और फिर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दो, फिर उस लेयर के ऊपर एक और सॉलिड बैठा दो, फिर उसे सरकमस्क्राइब कर दो, फिर उसके ऊपर एक और सॉलिड बिठा दो। इस तरह जब तुम एक एक करके सॉलिड्स एक के ऊपर एक बिठाओगे, तो तुम्हें टोटल 6 लेयर मिलेंगी स्फेरिकल। उन 6 स्फेरिकल लेयर्स पर एक एक प्लेनेट बैठा होगा। ये केपलर का मॉडल था कि इन 6 लेयर्स पर एक एक करके 6 प्लेनेट होंगे और बीच में सूरज होगा। ये जब केपलर ने मॉडल बनाया, तो उसे वो बहुत ही खुश हो गया। उसे लगा कि शायद उसने गॉड का प्लान रिवील कर दिया है, मतलब उसे भगवान ने बता दिया है कि कैसे उन्होंने धरती बनाई है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो उसकी थ्योरी थी वो एक्चुअल डेटा से मैच नहीं कर रही थी। कोपरनिकस ने ऑर्बिट्स मेजर किए थे, लेकिन इस तरह से जो मॉडल बनाया केपलर ने वो मैच नहीं किया। लेकिन केपलर फिर भी बहुत कॉन्फिडेंट था, उसे लगता था कि ये थ्योरी इतनी एलिगेंट है कि हो सकता है शायद जो ऑब्जर्वेशन लिए हों कोपरनिकस ने, वो उनमें कोई गलती हो, भाई या तो थ्योरी गलत होगी या ऑब्जर्वेशन गलत होंगे। उस समय एक ही आदमी था जिसके पास की कोपरनिकस से ज़्यादा प्रिसाइज डेटा था, और वो आदमी था टाइको ब्राहे। थैंकफुली चांस ऐसा पड़ा कि टाइको ब्राहे ने जस्ट केपलर को इनवाइट किया था प्राग आने के लिए और अपना असिस्टेंट बनाने के लिए। टाइको ब्राहे 1546 में टाइको ब्राहे पैदा हुआ था, और बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुआ था डेनमार्क में। वो बहुत ही स्किल्ड एस्ट्रोनॉमर था और उसने बहुत ही कलरफुल लाइफ जी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक बार उसने अपने फेलो स्टूडेंट को चैलेंज कर दिया कि चल आ लड़ते हैं, तलवारबाजी करते हैं, और उनकी लड़ाई सिर्फ इस बात पे हो गई थी कि एक मैथमेटिकल फार्मूला वो नहीं सेटल कर पा रहे थे, और उस लड़ाई में टाइको ब्राहे की नाक कट गई, मतलब लिटरली, और फिर उसने जीवन भर सोने की नाक पहनी। एरिस्टोटल के टाइम से ये माना जाता था कि चंद्रमा के पीछे जो भी सृष्टि है, जो भी ब्रह्मांड चंद्रमा के पीछे है, सितारे और ग्रह वगैरह, वो अनचेंजिंग है, वो एकदम कांस्टेंट हैं, कभी चेंज नहीं होते और हमेशा वैसे ही रहते हैं। लेकिन 1572 में टाइको ने एक बहुत ही गदर चीज़ देखी कि एक सितारा आसमान में अचानक से अपियर हो गया, मतलब देखते देखते स्टार नहीं था और अचानक से एक दिन स्टार आ गया आसमान में। और तो पहले तो उसे लगा कि पता नहीं शायद कुछ ऐसे ही फिनोमिना होगा हमारी एटमॉस्फेयर पे, लेकिन उसने उसे बहुत दिन तक देखा इसको, तो उसने पाया कि वो स्टार तो पैरेलैक्स नहीं दिखा रहा, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट था वो बहुत दूर था, और अगर वो बहुत दूर था इसका मतलब वो एक स्टार था, और एक ऐसा स्टार जो कि जस्ट अपियर हुआ। और उसने अपनी फाइंडिंग एक बुक नई लिखी थी, द नोवा स्टेला, जिसका मतलब है ऑन द न्यू स्टार, उसमें ये पब्लिश किया था। आज हम जानते हैं कि वो एक सुपरनोवा था 1500 लाइट ईयर अवे, SN 1572, इसे टाइको सुपरनोवा भी कहते हैं, जो जस्ट अपियर कर गया था आसमान में। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ था कि एरिस्टोटल का व्यू गलत था, कि जो है कॉस्मोस चेंज नहीं होता टाइम के साथ, इनफैक्ट ब्रह्मांड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है टाइम के साथ। स्टार्स का फाइनाइट लाइफ टाइम होता है, वो डाई कर जाते हैं और फिर एक्सप्लोड कर जाते हैं, सुपरनोवा बन जाते हैं। जब वो मेजरमेंट लेता था टाइको ब्राहे, तो सबसे ज़्यादा पजलिंग उसे लगता था मार्स, क्योंकि मार्स हमने पहले भी बात की है कि कैसे आसमान में पीछे जाने लगता है और फिर आगे जाने लगता है। उसका जो ऑर्बिट था वो उसे सबसे ज़्यादा पजल करता था, और वो केपलर को काफ़ी मेंशन करता था कि यार मार्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो अपना डेटा भी बहुत गार्ड करके रखता था, वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता था केपलर को, तो उसे बस बिट्स एंड पीसेस शो करता था। इन दोनों ने करीब 1.5 साल तक
कोलैबोरेट किया जब फिर टाइको ब्राहे की 1601 में डेथ हो गई, और उसकी डेथ का कारण भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें कि कैसे हुई। केपलर के लॉज, जब केपलर की सॉरी जब ब्राहे की डेथ हो गई तो फाइनली केपलर को सारा डेटा मिल गया, तो केपलर ने उन्हें यूज़ किया अपने लॉज बनाने के लिए। स्पेशली मार्स को बहुत स्टडी किया उसने। केपलर ने स्टार्ट किया कोपरनिकस की हाइपोथेसिस से कि जो प्लैनेट्स हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं सन के अराउंड, और उसके भी डिवाइन रीजंस थे कि भाई अगर डिवाइन गॉड धरती बना रहा, अगर जो है प्लैनेट्स और ये ऑर्बिट्स डिज़ाइन कर रहा है तो वो परफेक्ट शेप चुनेगा। एंड दैट मेक सेंस, अगर आप बिलीव करते हो कि डिवाइन जियोमीटर अगर बैठकर एक दिन सब कुछ डिज़ाइन कर रहा है तो फिर वो ऑब्वियसली परफेक्ट सब कुछ चुनेगा, परफेक्ट सर्कल चुनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड चुनेगा, ये सब उसने अज्यूम किया। और लेकिन जो एक्चुअल डेटा था, जो ब्राहे का डेटा था, वो नहीं मैच कर रहा था इस थ्योरी से। केपलर रियली बिलीव करता था इस पर, उसने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं मैच किया डेटा थ्योरी से। और साइंस में अगर आपकी थ्योरी जो है ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं कर रही और आप कॉन्फिडेंट हो कि ऑब्जर्वेशन में कोई एरर नहीं है, तो फिर आपको थ्योरी चेंज करनी ही पड़ेगी, आपकी थ्योरी सही नहीं है। फाइनली थकार कर जो है केपलर को अपनी डिवाइन थ्योरी ताक साइड में रखनी पड़ी, और उसने फिर कहा कि चलो शायद सर्कुलर ना हो, एलिप्टिकल ऑर्बिट हो। एलिप्स बेसिकली क्या होता है, एलिप्स एक आप सोच सकते हो कि मान लो सर्कल है, उसे आप स्क्विश कर दो, एक ओवल बना दो, बेसिकली दो पिन ले लो। जैसे सर्कल होता है उसमें एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो दो फोकस होते हैं, इन दो फोकस पर अगर आप रस्सी बांध दो और फिर अगर रस्सी घुमाओ तो जो पॉइंट्स आएंगे उन सारे पॉइंट्स पर ये वाली रस्सी ए प्लस ये वाली रस्सी बी, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट होगा, तो जो शेप बनेगी वो एक एलिप्स होता है और ये दोनों पिन उसकी फोकस कहलाती हैं। एसेंशियली जो सर्कल होता है वो स्पेशल एलिप्स होता है जिसमें कि दोनों फोकस एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो केपलर ने कहा कि जो जो उसका पहला लॉ ये था कि जो प्लैनेट्स सर्कल का चक्कर लगा रहे हैं वो सन का चक्कर लगा रहे हैं, वो सर्कल में नहीं लगा रहे, एलिप्स में लगा रहे हैं, और जो 3D में जो चीज़ें हैं वो ऐसे देख रही हैं कि सूरज बीच में ना होके एक तरफ स्लाइटली ऑफसेट फोकस पे बैठा हुआ है, और जो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं कभी वो बहुत पास आ जाते हैं और कभी वो बहुत दूर चले जाते हैं, शेप जो है वो एलिप्स है। थैंकफुली ब्राहे ने मार्स स्टडी किया, और सबसे ज़्यादा केपलर ने मार्स स्टडी किया, और मार्स सबसे ज़्यादा पजलिंग इसलिए था क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है वो काफ़ी एलिप्टिकल है कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। अर्थ का और प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल तो है लेकिन इतना कम एलिप्टिकल है कि सर्कल से अगर आप उसे अप्रोक्सीमेट करो तो आप फ़र्क नहीं बता पाओगे सर्कल और एलिप्स के बीच में, लेकिन मार्स का काफ़ी एलिप्टिकल है। और थैंकफुली केपलर ने उसे स्टडी किया, अगर उसने मान लो अर्थ या वीनस स्टडी किया होता तो हो सकता है उसने ये उसका लॉ सर्कुलर होता जो कि गलत होता, एलिप्स एकदम सही है। केपलर का दूसरा लॉ, केपलर जो कोपरनिकस ने ये अज्यूम किया था कि जो स्पीड है प्लैनेट्स की सन के अराउंड जाने की वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन ये भी केपलर ने गलत पाया। ऑब्जर्वेशन ये बताती थी कि जब प्लैनेट्स सूरज के पास होता है तब वो ज़्यादा तेज चलता है, और जब वो दूर चला जाता है तब वो स्लो चलता है, मतलब ऐसे जैसे कि जब वो सूरज के पास आए तो फिर सूरज की गर्मी से भागना चाह रहा हो, सूरज से भागना चाह रहा हो, और जब दूर चला जाता था तो स्लो हो जाता था, स्लो फास्ट स्लो फास्ट स्लो फास्ट। और इसके बीच इस पैटर्न स्पीड चेंज होने में एक पैटर्न भी था। केपलर ने ऐसा नोट किया कि प्लैनेट्स जो हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर रहे हैं, मतलब पिक्चर ऐसी दिखती थी कि जब प्लैनेट सूरज के पास होता था तो तेज चलता था और फिर जैसे जैसे दूर जाता था तब धीरे चलता था, यहाँ पर वो उतने ही टाइम में 30 दिन में इतना एरिया कवर इतना डिस्टेंस चल रहा है और यहाँ पर उससे कहीं गुना ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है, स्पीड अप कर जाता है, लेकिन यहाँ स्पीड अप करने में जो एरिया बन रहा है वो बराबर ही है। भाई एरिया क्यों बराबर है, क्योंकि भले ही ये लंबाई छोटी है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर भले ही वो ज़्यादा दूर चल रहा है उसका सन से डिस्टेंस कम है, तो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा प्लैनेट। यानी कि 3D में ऐसा दिखेगा मार्स फॉर एग्जांपल चक्कर लगाता हुआ कि जब वो दूर जाएगा तब जो एरिया होगा पास आएगा तो स्पीड अप हो जाएगा और एरिया हर बार कॉन्स्टेंट रहेगा इक्वल टाइम्स में। केपलर का तीसरा लॉ,
केपलर ने पहले दो लॉ तो 1609 में पब्लिश किए, लेकिन तीसरा लॉ 10 साल बाद पब्लिश हुआ। उस समय ये पता था कि जो प्लैनेट्स हैं उनका जो इनर हैं, जो पास हैं सूरज के, वो जल्दी से चक्कर लगा लेते हैं, और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे स्लो होते जाते हैं। मरकरी फॉर एग्जांपल सबसे तेज चलता है, और मरकरी का नाम इसीलिए रोमन गॉड मरकरी के ऊपर पड़ा है क्योंकि वो गॉड का मैसेंजर था, वो भगवान का मैसेंजर था, इसलिए आसमान में इतनी तेज चलता था। मरकरी सन के अराउंड सिर्फ 88 दिन में जो है चक्कर लगा लेता है। अगर आप मरकरी पर रह रहे होते तो न्यू ईयर हर 88 दिन बाद आ जाता 365 दिन की बजाय, और अगर आप प्लूटो पर रह रहे होते तो 246 साल लगते। अगर हम प्लूटो पर रह रहे होते तो हमारी लाइफ टाइम में एक भी साल नहीं हो पाता, उससे पहले ही हमारी डेथ हो जाती। हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो है न्यू ईयर देखते। एनीवेज, तो केपलर ने पाया कि ये जो डिस्टेंस प्लैनेट का और उनका टाइम, एक साल एक बार चक्कर लगाने में, इसमें एक रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप उसने ये पाया कि जो टाइम होगा, मान लो टी है और डिस्टेंस अगर डी है, तो जो टी स्क्वायर होगा वो डी क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे धरती है, वो अगर मान लो एक दूरी पर है और एक साल में चक्कर लगा पाती है, और अगर जुपिटर है वो धरती से 5 गुना ज़्यादा दूरी पर है, तो जुपिटर का टाइम अगर टी है तो टी स्क्वायर जो है वो 5 के क्यूब के प्रोपोर्शनल बराबर होगा। इसका मतलब जो जुपिटर का टाइम है वो 5 की पावर 1.5 के आसपास होगा, और एग्जैक्टली 5.2 की पावर 1.5 होता है 11.8। जुपिटर का एक्चुअल टाइम पीरियड भी 11.8 साल है, जो कि केपलर का लॉ प्रिडिक्ट करता है। इनफैक्ट जो जो पिक्चर है वो ऐसी लगती है कि जो इनर प्लैनेट हैं जैसे कि मरकरी, वो फटाफट फास्ट फास्ट घूम रहे हैं, और जो आउटर प्लैनेट हैं वो स्लो, उन्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है घूमने में। और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छी तरह से मैच करती है थ्योरी से। आप देख रहे हो कि कैसे लाइन पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स सब एक स्ट्रेट लाइन पर पड़ते हैं प्रेडिक्शन के हिसाब से। इनफैक्ट ये जो प्रेडिक्शन है वो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के लिए भी होल्ड करती है, जो कि केपलर के लॉज के बहुत बाद डिस्कवर हुए थे। और साइंस की यही ब्यूटी है, अगर आपकी थ्योरी ना ना ही सिर्फ इस आज की ऑब्जर्वेशन पे मैच करनी चाहिए, इनफैक्ट फ्यूचर में भी अगर कोई नई ऑब्जर्वेशन होती है उसे भी मैच करनी चाहिए। अगर नहीं मैच कर रही, अगर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो यहाँ वहाँ पाए जाते, लाइन पे नहीं होते, तो ये थ्योरी हमें रिजेक्ट करनी पड़ती। ये साइंस की ब्यूटी है। कंक्लूड करते हैं, ऐसा बाद में पाया गया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और एस्ट्रोनॉमर्स ने, कि केपलर के जो लॉ हैं वो जुपिटर के मून्स पर भी फॉलो हो रहे हैं। इनफैक्ट पूरे हम आसपास जहाँ भी देखते हैं सारे गैलेक्सीज और प्लैनेट्स और स्टार्स, ये सारे लॉ फॉलो कर रहे हैं। कोई भी दो बॉडी जो एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रही हैं वो ये लॉ फॉलो करती हैं। क्वेश्चन ये है कि क्यों, कैसे वो ऐसा कर रही हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि केपलर का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब चीज़ें, जैसे प्लेनेट है वो जब सन के पास होता है तो स्पीड अप हो जाता है, और जब दूर जाता है तो स्लो हो जाता है, जब पास आता है तो स्पीड अप हो जाता है, दूर जाता है तो स्लो हो जाता है। क्यों, कैसे प्लेनेट को, प्लेनेट इसका मतलब किसी तरह ये सेंस कर रहा है कि सन मेरे पास है, अगर पास है तो स्पीड अप कर जाऊं मैं, और अगर दूर है तो स्लो हो जाऊं। कैसे प्लेनेट को ये पता चल रहा है कि सन है यहाँ पर, उसे कैसे प्रेजेंस पता चल रही है, क्या हीट हीट से उसे पता चल रहा है, या सन किसी तरह तो अपनी फोर्स उस पर एग्जर्ट कर रहा होगा ना, किसी तरह तो उसे बता रहा होगा, कन्वे कर रहा होगा कि मैं हूँ, सूरज हूँ यहाँ पर और तुम मेरे पास हो, भागो यहाँ से। तो वो कौन सी फोर्स है जो सूरज जो है प्लेनेट पर एग्जर्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन उठता है। एक और क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि ऐसा क्या मैजिकल है इस रेशियो में टी स्क्वायर से डी क्यूब के, इस ये रेशियो क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि टी स्क्वायर और डी क्यूब, मतलब क्या गॉड ने जो धरती बनाई है अगर, तो उन्होंने क्यों ये नंबर चुने हैं, क्या ऐसा मैजिकल है। एक और क्वेश्चन जो अभी भी आंसर नहीं हुआ है कि प्लैनेट्स रुक क्यों नहीं जाते, वो जो है कैसे हर वक्त इटरनली चले जा रहे हैं, उन्हें कौन धक्का लगा रहा है, या कोई धक्का लगा भी रहा है या नहीं। कैपलर ने इन क्वेश्चंस के बारे में सोचा था, और उसने फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए कि सन क्या फोर्स लगा रहा है, उसने कहा कि
शायद मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय एक ही फोर्स ऐसी पता थी जो इतनी डिस्टेंस पे काम करती थी, और वो मैग्नेटिक फोर्स थी। दो चीज़ें आपस में मैग्नेट जो होती थी वो दूर से ही फोर्स लगा देती थी, तो सूरज भी शायद धरती पर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा, ऐसा केपलर ने कहा। लेकिन ऐसा पाया गया कि मैग्नेटिज्म वो फोर्स नहीं है जो सूरज धरती पे लगाता है, वो फोर्स अभी डिस्कवर होना बचा था। कुछ कुछ डेकेड लगेंगे, कुछ दशक लगेंगे उस फोर्स को डिस्कवर होने में। क्यों? क्योंकि आइज़ैक न्यूटन अभी पैदा नहीं हुआ था। थैंक यू।